बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्रा व्लॉग किचन में आपको वेलकम करते हैं। और आज इफ्रा किचन में क्या हो रहा है? आज इफ्रा बाजी बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमारे घर अहतमाम है दावत का, और दावत किसकी हो रही है? जो अल्लाह के घर से होकर आए हैं, उम्रा कर आई हैं, मेरे हस्बैंड की बहना। और आज हमने अपने नंदोई और नमा की हमने दावत का अहतमाम किया हुआ है। तो दावत में हम बना रहे हैं क्या क्या, वो सब आपसे शेयर करेंगे। किचन हमारा छोटा है, कोई बात नहीं, दिल तो बड़ा है ना हमारा। तो शामी कबाब बनाने लगी हूँ। शामी कबाब में मैंने चिकन शामिल कर लिया, चने की दाल शामिल कर ली है। अब इसके अंदर मैं क्या शामिल करने लगी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है लहसुन अदरक, इसको मैंने बारीक बारीक कश कर लिया, ठीक है। इसके अंदर पीसा हुआ नहीं मैं डालती, ठीक है, इस तरह डालती हूँ। ये मैंने ज़ीरा लिया है, सौंफ ली है, थोड़ी सी मैंने खशखश ली है, और ये थोड़े से मैंने कबाब चीनी के दाने लिए हैं। कबाब चीनी की भी कहानी है वो आपको मैं सुनाऊंगी। ये कबाबों में, चपली कबाब में, सीख कबाब में, इन सब में डलता है। ये हमने थोड़ी सी सौंफ ली है, और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा साबुत धनिया, ये खुशबू के लिए, और ये चने की दाल बादी होती है उसको हज़म करने के लिए। और ये हमने पूरा 1 टीस्पून भर के गर्म मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने ली है तड़ा मिर्च, चिली फ्लैक्स, और ये हमने लिए हैं साबुत मिर्चें, ताकि ज़रा ये खाएं, इनको आए बड़ा मज़ा। और ये हम इसमें करने लगे हैं शामिल, ये सब चला गया इसमें। अच्छा, मैं इसमें प्याज शामिल नहीं करती पकाते हुए ना, मैं शामिल करती हूँ जब मैं इन कबाबों को शेप देती हूँ, तो वह भी शेयर करूँगी। ये सारा कुछ कर लिया, और बस इसको हम चढ़ा देंगे ढक्कन लगा के, तो मिलते हैं। और ये हमने ले लिया है पांडे, पांडे मरी जान है, परेशान है। और इफ्रा भाजी आपने धोने हो? हाँ जी, मैं ही धोती। ये हमने ले लिया है 2 kg दूध, दूध है 2 किलो हमने दूध लिया है, ठीक हो गया। अब इसको आने देंगे बॉयल, ठीक हो गया, बॉयल आता है तो फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आज हम खीर बना रहे हैं, कौन सी, अर्जेंट खीर, क्विक इंस्टेंट कहते हो, क्या कहते हैं, हाँ जी, वो खीर हम बना रहे हैं। दूध को बॉयल आ गया, 2 kg में 2 पैकेट जाएंगे, तो ये हम शामिल करने लगे, ठीक है। और ये हम यखनी बनाने लगे हैं, हमारे पास 1 किलो चावल हैं, 1 किलो चावल में हम डाल रहे हैं कम से कम 1.5 किलो गोश्त, और उसमें हड्डियां भी शामिल हैं, चर्बी भी शामिल। 2 टेबलस्पून भर के मैंने सौंफ ली है, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने, अगर आपने 3 टेबल भर के लिया ना तो आपको मैं आसानी कर देता हूँ। ये देखो 1 टेबलस्पून में लेकर हम खाने के लिए। और ये मैंने लहसुन की ले लिया, इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया, इसको भी मैंने कर लिया पानी से वॉश। और ये 2 हरी मिर्चें और सॉल्ट, सॉल्ट अपने सॉल्ट का भी पानी से वॉश किया, सॉल्ट को अपने जायके के हिसाब से, और जायके से साफ किया। वीडियो ना खराब करो मेरी। अच्छा अच्छा, कैमरे में दिखाओ ये जो छन्नी आप कर रही हो, कैमरे में खड़ो, कैमरा क्या है, कैमरा ये। तो ये देखिए, हमने इनको मिक्स करने के लिए एक जुगाड़ लगाया, जैसे कि हमारे घरों में होती है चाय छन्नी होती है, हमने 2 चाय छन्नियाँ ली हैं, उसके ऊपर हमने ये हुक लगाया, वो भी हमने एक की चेन में से निकाल के हुक लगाया। अब मिक्स के अंदर रख के इसको मिलाएंगे। आज मेरे बच्चे भी आ गए दिमाग खाने, अजीम ने तो बहुत ज्यादा दिमाग खाने, सच भी नहीं बोलना था ये इसमें डाल के। और बस अब पतीली में पानी डालूंगी, गैस आ नहीं रही, तो मैंने कहा जल्दी से ये वाला क्लिप महफूज करती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। स्टार्ट हो गया, ये हमने मशीन से निकाल लिया, हमारे पास भी गैजेट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोल्ट कम था तो मैंने थोड़ा शाम में कर लिया, ये ना कि मेहमान गए, ओहो इफ्रा भाजी आपने क्या कर दिया है। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या शामिल करने लगे हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह मिला लेना है अपने मोटे मोटे हाथों के साथ। और आप मेरे हाथों को भी देख के माशाल्लाह कह देना, है ना आसिफ, खाती पीती हूँ मैं, कर देना आसिफ इस तरह वाला सीन ले। नहीं वो नहीं आ सकता, जैसी निकम्मी औलाद है ना मेरी, ओह माय गॉड। शामिल कर लिया, उसके बाद ये लेमन लेना है, लेमन के बीज मैंने रिमूव कर लिए हैं, एक बीज गिर गया है मेरे से, उसको मैं उठा लेती हूँ। कैमरे में रख के करो ना, कैमरा कहाँ है, मेरा मुंह कहाँ है, सारी ये देखो, ये है कैमरा, और ये लेमन निचोड़ लिया, ओह माय गॉड, जबरदस्त। और यहाँ पे बैठे हैं हड्राम लोग, एक हड्राम मेरे सामने बैठा हुआ है, एक हड्राम मेरी राइट साइड पे बैठा हुआ है। यार आप कैमरे में नहीं करती हो, तुम अपना कैमरा वहाँ पे घुमा लो ना, अगर मैं नहीं करती ऐसे। हाथ मेरे साफ हैं, और माशाल्लाह हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें, और इन्हीं हाथों से अपने हस्बैंड के प्यारे प्यारे गालों सबको छेड़ेंगे, ओए होए होए, तो उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा,
जिस मोहब्बत में डांट ना पड़े, तो डांट खाना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आदत हो गई है, इतनी देर हो गई मेरी शादी को, जिस दिन मुझे डांट नहीं पड़ती या मुझे कोई बात नहीं सुनने को मिलती, तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड आज क्या हो गया है, आज सूरज कहाँ से निकला है, तो सारा दिन इसी कश्मकश में रहती हूँ। तो मिलते हैं इस टिक्की को बनाते हुए आपसे। बना रहे हैं निहारी के लिए प्याज को हमने कर लिया है एकदम ज़बरदस्त सा गोल्डन गोल्डन, और इसको हम ये गोल्डन गोल्डन है। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का डालेंगे पेस्ट, उसके बाद फिर शामिल कर देंगे गोश्त, उसको फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर उल्टा पलटा करेंगे, उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। डाल दिया, हला लेंगे। अच्छा इसमें ना आपको घी की बड़ी ज़रूरत है, घी में कंजूसी ना करना। ये मैंने बीफ लिया है, ये मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ बना ली हैं, थोड़ी सी हड्डियाँ डाल दी, और कैमरा मैन को फैसल जान दे रहे हैं मेरे छोटे बेटे हर्षराम बेटे खाम छोड़ बेटे। इससे अच्छा इंट्रो मैं ही कर लेता अपना, कैसे अगर इसको घुमा लेंगे, मेरी पतीलियों की शक्लों पे ना जाना, ठीक हो गया। और ये मैं इसको हिलाऊंगी, लेकिन मैं इसको करूंगी कुकर के अंदर, कुकर में बन रही है सब जखनी, जखनी बनती है उसके बाद फिर मिलते हैं। खड़काना जरूरी था। यस, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हल्दी, वॉइस ओवर में याद रहेगा आपको, चिली पाउडर, यस 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 यस, और नमक, नमक पे हाथ थोड़ा होला होला, फिर आपने 3 चम्मच भी डाले। चलिए उसके बाद ये सीक्रेट मसाला ये भी शामिल कर दें, अनीवा सारे डाल दे, सारा डालेंगे ताकि मजा आया ना। हाँ, दो मिर्ची का हाथ साइड पकड़ो, इसलिए मैं कैंस क्यों नहीं चाहिए आपके पास, तो फिर आप पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के क्यों डालो, सारा डालो मजा आए, क्योंकि इसका शोरबा जितना मजे का होगा ना उतना मजा आएगा। उसके बाद प्यारा सा चमचा लें, और जिस तरह जिंदगी घुमा रही है आपको, आप भी इसको घुमा दें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। मिलते हैं थोड़ी देर। अच्छा इसमें पानी डाल के ना छोड़ देना, मैंने ये देखें इसमें टमाटर नहीं डलता, टमाटर बिल्कुल भी नहीं डलता, इसमें डलेगा दही, आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई। हरी मिर्च, तो बिना दाढ़ी ली फ्रा बाजी क्या बना रही हैं? दोबारा से बोले फ्रा बाजी, चल दोबारा। हाँ बोले। इसके अंदर मैंने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, प्याज अनिवा, हरी मिर्च मैंने 3-4 शामिल की है, एक अंडा शामिल किया है, और बेसन मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून, उसको तवे पे मैंने भून लिया है। उसके बाद इसमें अंडा शामिल किया है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर और बेसन शामिल करूंगी। तो आज मेरा है बहुत सख्त इम्तहान, तो इफ्रा जान आपने जान लगा देनी है, इतनी जान लगा देनी है इस कबाबों की जान निकालने में। तो इसको ये है कि इसको जितना आप इस तरह करेंगी ना, ये उतने मज़े के बनेंगे कबाब। तो जी बनाने लगे हैं मज़ेदार से सीख कबाब, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा अब इसमें मैंने घी शामिल किया है, ठीक है, घी शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और कचरी पाउडर भी शामिल किया है, और ये सब अच्छी तरह मिक्स कर फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये हम बनाने लगे हैं चिकन का कोरमा, और जो हमारे गेस्ट हैं ये चिकन तो नहीं है, ये तो टमाटर है, प्याज है, धनिया, और ये बीच में डालेंगे ना। अच्छा फिर ठीक है। तो ये मसाला बनाया, इसमें टमाटोज हैं, और ये मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, टमाटर रखा है, हरी मिर्च है, और अभी जा रहा है ब्रेड होने। और ये मेरे हड्राम बच्चे हैं जो कि मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, और आप बताएं मैं क्या करूं, इनकी माँ बन गई, क्या करूं, हांडी में डालो नहीं तो खूबसूरत अल्फाज आ जाएंगे। ये दालचीनी, और ये बादाम के फूल, जीरा और लौंग, और ये मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, बाकी हम पिसा डालेंगे। और ये बन रहा है चिकन खोरमा एकदम देगी स्टाइल का, और ये देखिए इसको हम भूनेंगे, और जो है चिकन वो हम बना रहे हैं तकरीबन 2 kg का, तो 2 kg का बनने लगा है कोरमा एकदम मज़ेदार था। तो इसको पुंछना आगे, फिर मिलते हैं। इसके अंदर देशी भी पाया, टमाटर भी डाया है, और पाकिस्तान में टमाटर प्याज सब चीज़ें महंगी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने तमाम चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अच्छा तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पक्का? यस, मिलते हैं आपको एक छोटे वक्फे के बाद। मैंने इसको फ्रिज में रखा है, ये एकदम ज़बरदस्त सा हो गया है, ये देखिए अब बड़े मतलब सीख कबाब बनेंगे। और ये मुझे सीख नहीं मिल रही थी, फिर मैं ये उठा लाई हूँ, ये अब इसके साथ बनाने लगी हूँ, पानी को लगाने लगी हूँ, कैमरा मैन और अजीम की वीडियो खराब हो रही है, फिल्म लगा के बैठा हुआ है, कह रहा जल्दी से पुला कैमरा मैं बनाता हूँ। और ये हम बना रहे हैं सीख, मिनी मिनी सीख कबाब। बच्चा ना मैंने तंग करके रखा, चपेड़ा मार लूँ मैं, माँ ने मेरी मुँह भी खराब करके रखी हुई। हड्राम कुछ कर ले, मुँह यहाँ देखने पर लगे हुए।
ये हम बनाने लगे हैं सीख कबाब एकदम मजेदार से। और अजीम आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इंसान के बच्चे हो या जानवर के बच्चे हो? इसराबाजी के बच्चे, कहते शेर का बच्चा हूं। तो मैं तो शेर नहीं हूँ। तभी तो थोड़ा चक्के बताओ कैसा लगा? बहुत मजे का है। चलो इस तरह हम सारे सीख कबाब बना लेंगे, मिलते हैं आपसे बनाने के बाद। मम्मी आपने ये क्या डाल दिया, सूंडियां? इसमें मैंने प्याज और मैंने इसके अंदर शामिल किया क्या दही, थोड़ा साइड ले लो, क्या हो गया? कैमरा मैन को नहीं हिलाते, आई बात समझ। कैमरा मान उसको घुमा लेंगे हम। घुमा नहीं लेते, मिक्स होता है। मिक्स मैल, ओके मैल नहीं, मिक्स इसको मिक्स करने लगे। मिक्स नहीं करने लगे, मिक्स कर रहे हैं। इसको भूनना नहीं हुआ, अन्नी माँ नहीं, बिल्कुल अन्नी माँ। चलो बात जाओ यहाँ से, और ये भी खाओ। चले चले जल्दी जल्दी खोलें इसका टक्कन। ये देखें जी, चिकन कौरमा एकदम मजेदार खुशबू। ये कौरमा है? यस। ओह नाइस। और कुछ? और ये देखें, इधर लाए ना कैमरे में। ये क्या है? पुलाव की बोटी कितनी मजेदार है। मैं खा सकती हूँ एक? नहीं, वो लफ्ज तुमने जो कहा ना, मैंने बिल्कुल आगे जाके वो मैं उसकी नकल कर रहा था, मामा काशिफ जोया की। ये माशाल्लाह कितना प्यारा भून गया, देख रहे हैं आप? धुआं आ रहा है इसलिए नजर नहीं आ रहा कुछ खास। पानी इसमें शामिल करने लगे। ओह माय गॉड, चेक कर रहे हैं कितना पानी पानी हो गया सारे। दिनेश अभी का पानी शामिल कर दिया आंटी इफ्रा ने, अब क्या कर सकते हैं? अब इसको हिलाएं, मिक्स करें, मिक्स मिक्स वेल। इसे पकड़ ले वरना आपकी पतीली गिर जाएगी मेरे ऊपर, और अगर मेरे ऊपर गिर गई तो मैं जल गया, तो फिर आप क्या करोगी, क्या क्या करोगी? मैं तो ये ठीक कर लूंगी दुआओं के साथ। अच्छा कुछ लगाओगी नहीं जले पे? तो जले पे दवाई भी लगाऊंगी। अच्छा मैं समझा जले पे नमक छिड़कोगी आप। अच्छा जी अब ये हो रही है, लास्ट में इसके अंदर आटा शामिल करेंगे और बस बाकी लवाज के बाद हम इसको तनावल करेंगे। तनावल क्या होता है? सर्व करेंगे। ऐ पड़ी है मच्छी, बोलो मामा कुछ। सब कह रहे थे मछली फ्राई करते हुए नहीं दिखाई, तो आज मछली फ्राई करते हुए भी दिखा रही हूँ। अच्छा वो मछली तब भी फ्राई की थी, स्पेस नहीं थी मोबाइल में, बस स्पेस बनाते बनाते वो सीन हमारा कट गया। तो अब ये लें जी, फिश फ्राई होने लग गई है और बहुत मज़े की फिश बनी थी, बहुत टेस्ट था माशाल्लाह। और बच्चों ने भी इंजॉय किया और मेहमानों ने तो फिर करना ही था इंजॉय, क्योंकि इतने मोहब्बत के साथ अहतमाम किया था और अहतमाम भी इस कदर मोहब्बत के साथ किया था। और मैं यही कहूँगी कि जब भी मेहमान आए बड़ी खुशदिली के साथ अहतमाम करें, खुशदिली के साथ वेलकम करें, क्योंकि जब वो हमारे घर आते हैं तो बाइस रहमत बनकर आते हैं, और हमें नहीं मालूम कि जब वो रुखसत होते हैं तो कितनी रहमतें बरकतों से अल्लाह ताला हमें नवाजता है। तो बस यही है कि हर कोई अपने नसीब का खाता है, तो हम भी खुश और हमारे मेहमान भी खुश। और ये था एकदम मज़ेदार कौरमा, और ये सीख कबाब बनाए थे मैंने। सीख कबाब को हमने बनाना था चपली कबाब, उसको हमने बना दिया सीख कबाब। निहारी भी रेडी है और ये लग गया हमारा दस्तरखान। अल्लाह ताला बरकत दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।